नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके साथ कुछ सिक्योरिटी टिप्स के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया और जिसमें एक लिंक दी गई हुई है और यहां पर एक मैसेज लिखा हुआ है कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट के सारे पैसे निकाल दिए जाएंगे और आपका अकाउंट पूरी तरह ज़ीरो बैलेंस में चला जाएगा। ऐसे कई सारे मैसेजेस हमें आए दिन ईमेल्स पे, व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे मिलते हैं। तो क्या ये लिंक सेफ है या डेंजरस है, ये कैसे हम पता लगा सकते हैं? आज मैं यही चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, मैं अभिजीत आप सभी का मेरे इस छोटे से सिक्योरिटी टिप के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखें ये लिंक सेफ है या डेंजरस है। मैं आपको चार वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूँ जिसके द्वारा हम ये लिंक सेफ है या डेंजरस है, या फिर इस लिंक का सर्वर कहाँ पर है, कौन से शहर में है, कौन से देश में है, ये हम पता कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वेबसाइट है opentip.kaspersky.com। तो चलिए सबसे पहले हम इस वेबसाइट के ऊपर हमें जो लिंक दी गई हुई है या फिर हमें जो लिंक मिली है वो सेफ है या डेंजरस है, ये चेक करें। ये opentip.kaspersky.com वेबसाइट है। यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें जो URL मिली है बस उसे यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। उसके पहले वेबसाइट के कुकीज़ की टर्म्स एंड पॉलिसीज एक्सेप्ट कर लीजिए और जो URL आपको मिली है वो आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देनी है। काम बहुत ही आसान है, मैं ये लिंक कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ जाकर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। अब पेस्ट करने के बाद मैं इसे लुकअप पर क्लिक कर रहा हूँ। कैस्पर्सकी का रिजल्ट आपके सामने है, कह रहा है वो लिंक कोई डेंजरस नहीं है, इट इज़ अ गुड लिंक। और ये लिंक एंड्योरेंस डोमेन टेक्नोलॉजीज LLP के नाम से ये रजिस्टर्ड वेबसाइट है या फिर उनका एक रजिस्टर्ड डोमेन नेम है। अब ये तो हुई कैस्पर्सकी की बात, चलो और एक वेबसाइट पर चले जाएँ जहाँ पर दोबारा से हम ये लिंक चेक करेंगे। अब ये वेबसाइट का नाम है URL void, यहां पर भी मैं वो लिंक कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ये मैंने पेस्ट कर दी और स्कैन वेबसाइट बोल रहा हूं। सो वो यह ब्लैक लिस्ट में तो है नहीं ये, और थोड़ा सा नीचे आने पर मुझे पता चल जाता है कि ये लिंक का सर्वर इंडिया में है, नोएडा उत्तर प्रदेश से ये लिंक किसी सर्वर से हमें मिली है। अब और एक वेबसाइट पे चला जाऊंगा मैं, तीसरी वेबसाइट पे, जहां पर स्कैन URL, ये वेबसाइट का नाम है scanurl.net, यहां पर भी वो लिंक दे दो और जो मैसेज आपको मिला है वो यहां पर कॉपी पेस्ट कर दो। तो इन शॉर्ट मुझे ये मैसेज मिला था, मैं इसे कॉपी कर रहा हूं और यहां कर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। लेट्स सी क्या कह रहा है ये, चेक दिस URL। यहाँ पर स्कैन URL कह रहा है कि ये लिंक वैलिड नहीं है, मतलब ये लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ ओपन नहीं होगा, इसका मतलब ये है। अब चौथी वेबसाइट पे चलेंगे हम जिसका नाम है फिश टैंक। फिश टैंक एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर कई सारे लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कई सारे लोगों ने ये लिंक सबमिट किए हुए हैं और अगर आपको जो लिंक मिली है वो फिश टैंक के डेटाबेस में है एज अ हार्मफुल बोलकर, तो यहाँ पर डेफिनेटली उसका डेटा आपको मिल जाएगा और ये वेबसाइट खुद आपको बता देगी कि ये लिंक सेफ है या डेंजरस है। तो जस्ट यहाँ पर जो लिंक हमें मिली है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स चेक फॉर फिशिंग। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला है नथिंग अबाउट इट, मतलब ये लिंक पर आप क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, लिंक आपको कहीं लेके नहीं जाएगी। इन शॉर्ट ये जो लिंक हमें व्हाट्सएप पे मिली है ये कहीं पर भी आपको लेके नहीं जाएगी, ये हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, ना ही आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकाले जाएंगे क्योंकि ये लिंक कुछ काम ही नहीं कर रही। अब चलो कुछ डेंजरस लिंक्स मैंने ढूंढ के रखे हुए। मान लो अगर आपको कोई लिंक आती है तो ये चारों वेबसाइट किस तरह से रिएक्ट करते हैं हम देख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिंक्स निकाल के रखी हुई है। अब सबसे पहले मैं चला जाता हूँ कैस्पर्सकी में।
लिंक मैंने पेस्ट कर दी और इसे कह रहा हूँ लुकअप। सो कैस्परस्की का रिपोर्ट है, इट इज़ अ डेंजरस लिंक। ये रही लिंक। अब मैं जा रहा हूँ URL void पे, लेट्स चेक इट ओवर हियर, स्कैन वेबसाइट। सो URL ने भी यहाँ पर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया हुआ है। ये लिंक का सर्वर लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स है। चलो स्कैन URL क्या कह रहा है चेक कर ले। निकनेम क्विक टेस्ट, और जो भी लिंक है यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर दे रहा हूँ, और लेट्स से चेक URL। तो स्कैन URL क्या कह रहा है, इट इज़ अ मैलवेयर। ये लिंक आपको आपके डेटा को नुकसान पहुँचा सकती है, इट इज़ अ मैलवेयर। चलो फिश टैंक क्या कह रहा है इसके बारे में, ये भी चेक कर ले। सो फिश टैंक भी कह रहा है इट इज़ 100% फिशिंग लिंक, ऐसे लिंक्स पे आप क्लिक ना करें। तो आप ये चार वेबसाइट की हेल्प से opentip.kaspersky.com, urlvoid.com, scanurl.net और fishtank.com, ये चार वेबसाइट की हेल्प से आप आसानी से आपको WhatsApp या SMS पे आई हुई लिंक सेफ है या डेंजरस है आप चेक कर सकते हो। URL void में whois बोल के एक लिंक आपको मिलेगी। whois के द्वारे हम वेबसाइट कौन से देश में रजिस्टर्ड है, उसका मालिक कौन है, ये चीज़ें हम यहाँ से जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ही वेबसाइट यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया www.amitcomputers.co.in और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ स्कैन वेबसाइट। URL void के whois सेक्शन में हूँ और यहाँ पर उसने रिजल्ट दे दिए, amitcomputers.co.in ब्लैकलिस्ट में बिल्कुल नहीं है। और ये वेबसाइट आप देख सकते हो rediff.com इंडिया में ये वेबसाइट होस्ट की गई हुई है। चलो उसी तरह हम और एक वेबसाइट देख लें। अब यहाँ पर टाइप कर लिया मैंने amazon.in स्कैन वेबसाइट, तो यहाँ पर मुझे ब्लैकलिस्ट में बिल्कुल नहीं है, 0/35 ब्लैकलिस्ट स्टेटस है। और ये कहाँ पर है सर्वर लोकेशन इसका, आयरलैंड में है, सिटी डबलिन, रीजन लेंस्टर। इस तरह से आप वेबसाइट किस कंपनी की है, उसका सर्वर लोकेशन कहाँ पर है, उसका मालिक कौन है, whois की मदद से आप जान सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।